Hey, Appi. अरे बाप रे ना रमजान मुबारक रमजान मुबारक क्या खा रही हो? काजू बर्फी काजू बर्फी खाओ खाओ। और मेरा काजू बर्फी किधर है? ये रहा मेरा काजू बर्फी। बाबू बेबी सोना सोना बेबी रमजान मुबारक हो बेबी। कल से रोजा रखना, कल से तुमको रोजा रखना है, समझे? समझ आई तुमको? नहीं रखना इसको। ये खूबसूरत सा मंजर रमज़ान के पहले इफ्तार का है। पहली जो इफ्तार हुई थी उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ रही थी एंड देन अपी ने कहा कि देखो चांद आज किस तरीके से निकला है। उस टाइम तो थोड़ा सा अजीब लगा बट बाद में पता चला कि वो एक्चुअली में वीनस प्लैनेट था जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ध्रुव एंड टुडे आई एम अप विद अ न्यू व्लॉग। मेरा व्लॉग का जो स्टार्टिंग होता है ना वो ज़्यादातर मैं सुबह में करती हूँ या तो आफ्टरनून में करती हूँ, लेकिन ये वाला व्लॉग ना मैं 3 बजे रात से शुरू कर रही हूँ। सो या ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड ये रमज़ान का व्लॉग है। आप सभी को रमज़ान मुबारक हो एंड कल कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी हो गया है सहरी का टाइम, मैंने डिनर नहीं किया था तो चलिए फटाफट से सहरी करते हैं। एंड सहरी में मेरा फेवरेट है, मतलब मैं जो साल में 2-3 बार मुझे खाने में बहुत मज़ा आता है ना वो वाली चीज़ है सहरी में। यहाँ पे मैंने खाया था दूध लच्छा। दूध लच्छा किस किस को पसंद है रमज़ान में, ये आप सब मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। मॉर्निंग टू यू ऑल, इट इज़ द नेक्स्ट डे। हम लोग जा रहे हैं आज दावत पे। आज छोटी खाला के यहाँ दावत है हम सब का, तो इफ्तारी में दावत है एंड रात के खाने पर दावत है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेशल होने वाला है कुछ, तो वो यही है कि आज हम लोग दावत पे जा रहे हैं। रमज़ान का पहला दावत है हमारा जहाँ हम लोग जा रहे हैं छोटी खाला के यहाँ। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं एंड जितना सब कुछ बन रहा है वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर। ये है ड्राई फ्रूट्स का हलवा जो नना ने बनाया था एंड उनके हाथ का हलवा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सब कुछ उनके हाथ का बहुत ज़्यादा यम होता है। उसके बाद ये है पुआ, रमज़ान का टाइम था तो इस वजह से पुआ भी गया। ये था शाही टुकड़ा एंड ये है जर्दा। मैं कैरी कर रही हूँ आज ये वाला ड्रेस जो मैंने मामा के बारात में पहना था एंड उसके साथ मैं ये बैग कैरी कर रही हूँ जो मुझे मामा ने गिफ्ट किया था। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है अपना ड्रेस एंड मुझे ना आजकल मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी फ्लेकी लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगती है क्योंकि अभी का वेदर वैसा है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रखी है एंड मुझे दावत में जाना है तो मैं ऐसे स्किन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती हूँ। सो मेरे पास है यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए प्लम्प का ग्लो बूस्ट विटामिन सी सीरम। बहुत ही अच्छा सीरम है ये। मैं इसे ना 1 वीक से ज़्यादा हो गया होगा, एटलीस्ट 7-8 डेज हो गया होगा, मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ। आई एम इन लव विद दिस सीरम क्योंकि ये बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन का है, आपकी स्किन को एकदम ही ग्रीजी नहीं करता है एंड बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे कैसा ग्लो प्रोवाइड करता है। सो या चलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ अपने स्किन पर एंड आप लोगों को अभी फटाफट से रिजल्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग में। ये कुछ ग्लास बॉटल की पैकेजिंग में आता है एंड इसका जो कंसिस्टेंसी है ना एकदम ही वाटरी है, एकदम ही वाटर है। ऐसे लगेगा नहीं आपको कि एकदम ग्रीजी ग्रीजी सी आपकी स्किन हो रही है। इस सीरम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें विटामिन सी है 15% जो आपकी स्किन को जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं एंड जो सन डैमेज होता है उसको रिकवर करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये सीरम। मैंने इसके बेनिफिट्स देखे हैं तभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ एंड ये आपकी डल स्किन को भी बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट बना देगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इस सीरम को यूज़ कर लिया आप लोगों के सामने एंड आप लोग ना इंस्टेंट वाला एकदम ग्लो देख रहे होंगे मेरे फेस पे कि कितना अच्छा सीरम है ये। मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो उधर से इसे चेक कर सको एंड इस प्रोडक्ट को आप ज़रूर से ट्राई करें। सो या चलिए मैं फटाफट से रेडी होती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। नाउ अब हम लोग निकल रहे हैं, मैंने लगा लिया है हिजाब एंड ये रही अप्पी, हम दोनों ने लगा लिया है। मैंने ना एकदम मैचिंग हिजाब भी लगा लिया है, मैंने डार्क पर्पल हिजाब लगाया है एंड
लाइलैक कलर का मैंने ड्रेस पहन रखा है। बापे यस रमज़ान में अपने ही मज़े हैं इफ्तारी खोलने के। इतनी सारी वैरायटी एंड इफ्तारी खोलने का जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। परंपरा नहीं छूटेगा। चना चूरा मिक्स कर रही है। सच में हाँ ऐसे मिक्स करके चना चूरा कचरी सलाद चिप्स हो तो चिप्स केला कंपलसरी है ना। फ्रेंड्स इस तरीके से कभी प्रिपेयर करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम लगता है एंड आपकी टमी को एकदम ही फुल कर देने वाला है। उसके बाद हमने खाई यहाँ पे हलीम जो कि आंटी ने बनाई थी ऑब्वियसली एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा यम था। हो गया है हमारा इफ्तार कम्प्लीट एंड नाउ अब हम लोग अंदर आ चुके हैं रूम में। थोड़ा सा आराम करें क्योंकि रोज़ा रखने के बाद जब डाइट खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सोने सोने का मन करता है बट अभी सो नहीं सकते तो जगते हैं। फ्रेंड्स ये वही बाथटब है जो हम लोग बुक करने के लिए गए थे जो खालू जान ने ख़रीदा था तो ये लग चुका है यहाँ पे। मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ एंड ये देखिए ये मेकअप शुगर का ये खालू जान को आया था उनके निकाह वाले दिन। मेकअप भी आता है दुल्हन का मैंने उस दिन नहीं दिखाया था तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आंटी आज मेन्यू में क्या है हमारे लिए? हाँ कुछ कुछ में क्या है बताइए नाम सब बताइए। अपना ड्रेस दिखा दीजिए। हाँ खड़ी हो गए दिखा दीजिए। ये है आंटी का आज का आउटफिट। आइए आइए खालू जान कैसे जा रहा है आपका रमजान? चला गया कल जा रहे हैं तो रमजान तो अभी शुरू है ना ये ना कल जा रहे हैं। आपकी बेगम बिरयानी बना रही हैं। हाँ बहुत मेहनत की है बहुत रात में मेरा पैर हाथ दबाएंगे गर्दन भी है ना उसमें। अरे बाप एंड ये बना रही थी खाला बिरयानी जिसमें ढेर सारा घी डाल रही थी। घी डालने के बाद जो बिरयानी का टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यम आता है। मेरी फेवरेट तो बिरयानी है। एंड ये नन्ना ले गई थी खाला जान के लिए ड्रेसेस एंड खालू जान के लिए ड्रेस। इन दोनों को देखिए ये दोनों ट्विंस हैं कितने क्यूट है दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे एंड इनकी हरकतें उससे भी ज़्यादा क्यूट थी। इधर देखिए दो हसीनों ये है मुर्तसिम का शॉल। अगर आपने तेरे भी नहीं देखा है तब देख सकते हैं मुर्तसिम आपको इसी लुक में नजर आएगा ऐसे ही। यहाँ भी अपनी परंपरा पूरी करते हैं इन दोनों का यहाँ भी परंपरा। ओनली चावल रोटी नो दूध बिस्किट नो नो ना नो लेट्स गो गो
इनको गोदी मिल रहा है नहीं दुल्हन को अरे आप क्या कीजिएगा रखे मामी तो नीला गुलाबी नीला क्यूट है दोनों मेरे साथ चलोगी मेरे घर चलोगी चलोगी तुम नहीं जाओगी और ये जाएगा ए तुम्हारा नीला हरा गया क्या तुम्हारे भाई को ले जाओ आ रही हूँ अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा इसकी मुस्कुराहट मम्मी की बारी नहीं आंटी को मिल गया सारा नहीं नहीं ये दे देना रास्ते So good morning to you all. It is the next day and next day मैं देखा मेरे पास कौन है ये अपने नन्ना क्या चला गया था and 20 days बाद ये आया है oh my god ये मुझे एकदम बला बला सा लग रहा है माशाल्लाह बला बला सा लगने लगा है ये आया है एंड मैं इसकी खाला सबको ना कॉल कर रही हूँ चिढ़ाने के लिए कि देखिए आपको भूल गया बट इसकी खाला अभी कॉल नहीं उठा रही है सी बेबी तुम्हारी खाला कॉल नहीं उठा ली कॉल नहीं लग बेबी किसका बेबी है तुम किसका बेबी है तुम किसका बेबी है तुम क्यूटी भाई तुम क्यूटी क्यूटी है स्माइल देखो खाला जान कॉल नहीं उठा रही क्या करें एक कौन है कौन है कौन है कौन है जा कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है जा ऐ लपका उलट इसको संदल पंदल के पास मजा आता है बहुत मजा आता है इसको इसको देखिए ना इसका अलग ही खेल चल रहा है हाँ इसका अलग ही खेल चल रहा है अभी मैं बैठ के बना रही हूँ यहाँ पे शरबत एक में रोबजन एक में रसना उसके बाद मैं शरबत बना लूँगी देन मुझे शावर भी लेना है तो फटाफट से शरबत बनाते हैं एंड नहाते हैं देन आप लोगों से मिलते हैं साथ ही साथ प्रिपरेशंस जो थी वो स्टार्ट थी तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बन रहा था एंड ये वाला ब्रेड पकौड़ा ना यम 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 मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है बिल्कुल ही स्ट्रीट वाला ब्रेड पकौड़ा लग रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था यहाँ पे ये चिकन का कीमा था जिसके समोसे बन रहे थे
हो चुकी हूँ मैं फ्रेश नाउ। अब चलिए बाहर चलते हैं, दिखाते हैं कि आज क्या क्या इफ्तारी में बन रहा है। एंड आज जो इफ्तारी में बन रहा है ना, वो छोटी मामी के घर भी जाने वाला है, तो हम लोग पैक भी करेंगे। जितना भी फ्राइड चीज़ें थी ना, वो सारी यहाँ पे बन चुकी थी। तो ये है आलू चाप, ये है कचरी, देन ये है सांभर, ये ब्रेड पकौड़ा जिसकी मैंने बात की, ये समोसा एंड ये अंडा पकौड़ा। ये सब फ्राइड चीज़ें थी। एंड उसके साथ साथ ये पुआ, पुआ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एंड यम होता है। देन रहा ये चना, ये रहा ये घुगनी एंड चूड़ा। उसके बाद फ्रूट्स में भी बहुत सारी वैरायटी थी। तो ये रहा वाटरमेलन, पपाया, बनाना एंड एक खरबूज था जिसको मैंने शूट नहीं किया। इसमें पैक करके देने वाले हैं हम लोग। एंड इसमें ही अच्छे से जा सकता है, गर्म रहेगा एंड अच्छे से सब अलग अलग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हो चुका है सारा कुछ पैक। नाउ अभी मैं बाहर आई हूँ एंड इस्माइल को खिला रही हूँ। मैं अभी हरकत इसकी दिखाऊंगी, जगह पे बैठाऊंगी। ये बैठ जाता है एकदम पकड़ पकड़ के। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दोनों गिरा मत देना। नहीं नहीं नहीं, इसको कैसे गिलाएंगे? इसको तो गिला ही नहीं सकते। देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। कहाँ जा रहे हो तुम? नीचे जा रहे हैं। मुझे डर लगता है मैं इसको इतना ना खा लूँ कि मेरा कहीं रोज़ा ही ना टूट जाए। कैमरा देखिए कितना खुश है ये। ओए पापे, इशू है माशाल्लाह। अल्लाह मम्मी कितने अच्छे से बैठा हुआ है, देखिए ना इसको मज़ा आ रहा है। तुम कहाँ बैठे हो? किस तरीके से इसने पूरे ग्रास को पकड़ रखा है, एकदम टाइट। गिर नहीं जाना। माशाल्लाह ये कितने अच्छे से बैठा हुआ है, देखिए इसको देखिए। और मुझे इतना मजा आ रहा है ना इसको यहाँ पे बैठा के, मतलब इसका लेर भी चूरा है। लेढ़ा एक नंबर का लेढ़ा। बदमाश पाशी बॉय, तुम क्या कर रहे। मेन इफ्तारी के वक्त, ये कल भी सो गया था, ये आज भी सो गया है मेन इफ्तारी के वक्त। इफ्तारी में भी हाफ आवर है और मैं एकदम ही कमज़ोर हो गई हूँ। क्या हो गई हूँ? कमज़ोर। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा, मेरे सूखे सूखे होठ। ठीक है, तो ये कमज़ोरी तो चलती रहेगी। अब इफ्तारी करती हूँ मैं, तब आप लोगों से मिलती हूँ। ये बनने लग गई है यहाँ पे चाय। चाय में गई कॉफी। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के साथ चाय का क्लिप शेयर कर रही हूँ। चाय तो रोज़ की होती है, लेकिन मैंने थोड़ा दिन के लिए छोड़ दिया था कि कहीं आप लोग मेरी चाय से बोर ना हो जाए। बट चाय मेरे लिए हमेशा परमानेंट ही रहेगी। तो अभी बन रही है चाय, इफ्तारी हो गई है हम लोगों की। एंड कितनी जल्दी रोज़े सब बीत रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो ठीक है, चाय बन रही है, चाय पीते हैं। एंड इस्माइल को मैंने भी आपको दिखाया, क्यूटी पाई। कैमरा देख के फुल एक्टिव। क्यों आ रही हो बच्चे को? सब चीज लीक किए फिरता है। जिस पे लीक नहीं हो सकता उस पे दूध फेंक देता है। इसका ये तीसरी बार चेंज हुआ है और इसका ये ड्रेस गोवा वाले बीच पे वाला ड्रेस लग रहा है। स्माइल उधर देखो, उधर कैमरा कुछ और देख रहा है। मुझे ना इतनी नींद आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सोऊं कि जगूं। एंड बहुत सारे गेस्ट हैं घर में, बहुत सारा काम है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं ऐसे 10-15 मिनट से सो भी रही हूँ क्योंकि मुझे कोई ढूंढ नहीं रहा है, लेकिन जब मुझे सब ढूंढेगा ना तो मैं सोई भी मिलूँगी। बहुत नींद आ रही है।
खाने के बाद इफ्तारी करने के बाद ऐसे लगता है कि अब बस कुछ मत करो, बस सो जाओ डायरेक्ट, और कुछ करने का मन नहीं करता है। ये हमारा खाना पीना डन। एंड देखिए ये नई नई हमारे घर में कौन आई है, कैट आजकल हमारे घर में आने लगी है, बहुत ही क्यूट सी है, रोज़ आके बैठ जाती है। अभी अभी हमारा खाना डन हुआ है, दावत थी डिनर की भी छोटे मामा के ससुराल वालों को, तो अभी अभी सब ने खाना डन किया है एंड सब कोई बाहर टहल रहे हैं। एंड ये देखें, ये देखें, वो हड्डी लेके भाग गया, मुझे नहीं पता वो मेल और फीमेल है, बट इतनी क्यूट है। एक और हड्डी दो उसको, उसको चिकन का हड्डी देते हैं, देखते हैं। नहीं एक दो मुझे, अरे कोई से भी दो ना, दो। मैं सोच रही हूँ मैं उसे दूंगी एंड देन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन से, बहुत काफ़ी दिन से वो हम लोग के पास है, ये नहीं ठीक है लाओ, तो बहुत दिन से वो आती है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये ले चला गया, देखिए जा, ये तो गायब हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू एंजॉय देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अच्छे अच्छे से कमेंट कर देना है आप लोगों को। एंड जो भी नए हैं इस चैनल पे मेरे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड मैंने अच्छे अच्छे व्लॉग्स को इन्जॉय करें। ओके तो ये व्लॉग ना मैं पहले डाल रही हूँ, मेरे पास इससे पिछला दो व्लॉग ऑलरेडी है बट मैंने उसको नहीं डाला। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों के साथ रमज़ान का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रमज़ान से पहले जो हुआ था शादी के टाइम का ब्लॉग सब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो वो इसके बाद मैं अपलोड करूंगी। तो उस व्लॉग को आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को आपने इन्जॉय कर लेना है अच्छे से। एंड सो या, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।